स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि जब किसी हाइड्रोजन गैस को किसी ट्यूब में बंद करके उच्च ताप तक गर्म किया जाता है तो इससे विकिरण यानी विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन होता है, और जब इस तरंग को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो यह कई तरंगों में या कई रेखाओं में विभक्त हो जाता है, बंट जाता है, और इन रेखाओं को ही स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहते हैं, और इन रेखाओं से बने स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम लोग जानते हैं कि बोर के परमाणु सिद्धांत से, बोर का परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को अगर यहाँ पर हम लोग चित्र में देखना चाहें तो देख सकते हैं, इसको नाभिक मानेंगे और ये कक्षा मान लेंगे, ये पहला कक्षा है, मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये कहता है, बोर का परमाणु सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा दिया जाता है तो यह निम्न कक्षा से, ये वाला निम्न कक्षा यहाँ पे होगा, ये वाला उच्च कक्षा होगा, तो जब बाहर से ऊर्जा दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में चला जाता है, यानी यहाँ से ये यहाँ चला जाता है, और थोड़ी देर के बाद जब यह वापस अपने कक्षा में आता है तो अतिरिक्त ऊर्जा को विकिरण के रूप में, अतिरिक्त ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है, अतिरिक्त ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है। अगर फोटोन की आवृत्ति अगर न्यू है तो फोटोन का ऊर्जा होता है एच न्यू, ये फॉर्मूला ये सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था। तो फोटोन की अगर आवृत्ति न्यू है तो फोटोन का ऊर्जा हो जाएगा एच न्यू, और यह फोटोन का ऊर्जा अगर निम्न कक्षा के ऊर्जा को अगर हम लोग E1 से सूचित करें और उच्च कक्षा के ऊर्जा को अगर E2 से सूचित करें तो यह फोटोन की ऊर्जा उच्च कक्षा की ऊर्जा तथा निम्न कक्षा की ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है, यानी H nu बराबर होता है E2 - E1। ये वाला हम लोगों ने पढ़ा था बोर के परमाणु सिद्धांत में। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि उत्सर्जित फोटोन की, यानी जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो अतिरिक्त ऊर्जा को फोटोन के रूप में उत्सर्जित कर देता है, और फोटोन की ऊर्जा उच्च कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और निम्न कक्षा की ऊर्जा, इन दोनों के अंतर के बराबर होता है। तो हम लोग पहले प्रश्न लिखेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त करें, और उत्तर में लिखेंगे कि बोर के परमाणु सिद्धांत से हम जानते हैं कि एच न्यू बराबर होता है E2 - E1। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, आगे लिखेंगे कि चूंकि अगर कोई तरंग है और तरंग का अगर चाल c है तो तरंग की चाल तरंग के आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है, तरंग की चाल तरंग की आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के गुणनफल के बराबर होता है, यानी c बराबर होता है न्यू लेमडा। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं लेमडा को नीचे लेके आएंगे तो C/λ इक्वल टू हो जाएगा न्यू। न्यू का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में न्यू का मान रखने पर, तो जब समीकरण 1 में न्यू का मान रखेंगे यानी न्यू के जगह पे रखेंगे C/λ, तो यहां से हमारा हो जाएगा H C/λ इक्वल टू ये हो जाएगा E2 और माइनस हो जाएगा E1, इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। अब आगे लिखेंगे हम यह भी जानते हैं कि किसी भी कक्षा में
इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा को हम लोग टी से सूचित करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का कुल ऊर्जा और क्वांटम संख्या के बीच हम लोगों ने संबंध निकाला था, और वो संबंध था टी बराबर माइनस ई का पावर 4 m बटा 8 π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर और एन, ये हम लोगों ने सूत्र निकाला था, जहां एन क्वांटम संख्या है और टी कुल ऊर्जा है। अब यहां पर कुल ऊर्जा को सिर्फ ई से सूचित करेंगे, तो ई बराबर होता है माइनस ई का पावर 4 m बटा 8 π एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर एन स्क्वायर, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ। तो लिखेंगे तो E1 बराबर, यानी कि पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसको सूचित करेंगे E1, पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं ये पहला कक्षा है, या फिर इससे ज्यादा अच्छा रहेगा यहाँ पे इस तरह से कहना कि निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, तो निम्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को E1 से, और इस कक्षा को यानी कि ये वाला जो कक्षा है पहला कक्षा है या निम्न कक्षा है, उस कक्षा की संख्या को क्वांटम संख्या को सूचित करेंगे N1 से, और दूसरे कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को E2 से, और इस कक्षा के क्वांटम संख्या को सूचित करेंगे यहाँ पर N2 से। तो यहां से अगर पहले कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को लिखना चाहेंगे उसका सूत्र, तो E1 बराबर यहाँ पर E1 हो जाएगा और यहाँ पर N1 हो जाएगा, बाकी ये सब कोई भी चीज बदलेगा नहीं, क्योंकि E भी नहीं बदलेगा, चाहे पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहे चाहे दूसरा कक्षा में रहे या तीसरा कक्षा में रहे, N भी नहीं बदले, पाई भी नहीं बदलेगा, एप्सिलॉन नॉट एच भी नहीं बदले, ये सब तो कॉन्स्टेंट है, नियतांक है। तो E1 बराबर हो जाएगा माइनस ई का पावर 4 m बटा 8 π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा N1 का स्क्वायर, तथा E2 बराबर हो जाएगा इसी तरीके से E का पावर 4 m बटा 8 π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा N2 का स्क्वायर, ये N2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग E1 और E2 का मान कहाँ भरेंगे, तो समीकरण 2 में भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में E1 तथा E2 का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में जब E1 और E2 का मान रखेंगे तो यहां से लिखेंगे HC बटा लेमडा बराबर हो जाएगा E2 का मान, तो E2 बराबर ये लिखेंगे पूरा, ये हो जाएगा माइनस ई का पावर 4 m बटा 8 π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर और N2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, माइनस देंगे, अब E1 का मान रखेंगे, तो E1 बराबर इतना होता है माइनस में, तो इसमें ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस ई के पावर 4 m बटा 8 π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा N1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये चित्र समझने के लिए था, इसको हटा देते हैं, अगर आपको लिखना भी होगा तो अलग से कहीं पर बना लीजिएगा बाद में समझने के लिए। अब यहां से हम लोग आगे लिखेंगे, तो यहां पर हो जाएगा HC बटा लेमडा, और यहां से लिखेंगे ये हो जाएगा माइनस ई के पावर 4 m बटा 8 π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस ई के पावर 4 m बटा 8 π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये हो जाएगा N1 का स्क्वायर। इसके बाद आगे लिखेंगे HC बटा लिमडा बराबर, प्लस वाले को पहले लिखेंगे माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे तो ई के पावर 4 m बाई 8 π एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, सॉरी N1 का स्क्वायर, यहाँ पे N1 है, तो N1 का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा,
के पावर 4m बटा एट पाई एप्सिलॉन का स्क्वायर एच स्क्वायर और एन टू का स्क्वायर। यहाँ के बाद आगे हम लोग e के पावर 4m एट पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, ये सब कॉमन है, इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों को निकाल लेंगे, बच जाएगा 1 बटा एन वन का स्क्वायर 1 बटा एन टू का स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे एच सी बटा लेमडा इक्वल टू ई के पावर 4m बटा एट पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा बचेगा 1 बटा एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बटा एन टू का स्क्वायर, ये बचेगा। इसके बाद एच सी को नीचे ले जाएंगे तो यहाँ पे 1 बटा लेमडा बचेगा, बराबर हो जाएगा ई के पावर 4m बटा 8 पाई एप्सिलॉन का स्क्वायर एच स्क्वायर, और एच को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा एच का पावर क्यूब, एच का पावर क्यूब, और यहाँ पे सी आ जाएगा, ये वाला सी यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा 1 बटा एन वन का स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 बटा एन टू का स्क्वायर। इसके बाद आगे लिखेंगे 1 बटा लेमडा इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा 1 बटा एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बटा एन टू का स्क्वायर। ये हमारा व्यंजक मिल गया स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का, लिखेंगे जहाँ आर बराबर इतना के देर के आर लिखा गया है, तो लिखेंगे ई के पावर 4m बटा 8 पाई एप्सिलॉन का स्क्वायर और एच का पावर क्यू और सी, जहाँ इन सब का जो मान रखेंगे ई का एम का एप्सिलॉन नॉट एच सी ये सब का मान रखेंगे तो 1.097 इंटू 10 टू द पावर 7 और ये पर मीटर में आता है, इसका ही मात्रक होता है पर मीटर, और इसे कहा जाता है, इसे कहा जाता है रिडबर्ग, ये है रिडबर्ग नियतांक है, रिडबर्ग नियतांक। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का ये हमारा व्यंजक मिल गया 1 बटा लेमडा इक्वल टू आर, जहाँ आर रिडबर्ग नियतांक है, इसे रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, 1 बटा एन वन का स्क्वायर माइनस 1 बटा एन टू का स्क्वायर। अगर प्रश्न में कहेगा कि इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्षा से पहले कक्षा में आता है तो एन टू का मान रखेंगे 2 और एन वन का मान रखेंगे 1। अगर प्रश्न में कहता है कि इलेक्ट्रॉन तीसरे कक्षा से पहले कक्षा में आता है तो एन टू का मान रखेंगे 3 और एन वन का मान रखेंगे 1। अगर इलेक्ट्रॉन कहेगा कि पांचवा कक्षा से पहले कक्षा में आता है तो एन टू का मान रखेंगे 5 और एन वन का मान रखेंगे 1 रखेंगे। तो ये देखना होता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा है। तो इस तरह से हमारा ये तरंग दैर्ध्य का व्यंजक हो गया, इसको उतार लीजिए और एनसीईआरटी में क्वेश्चन है इन पेज नंबर 438 में एक्सरसाइज 12 में क्वेश्चन नंबर 12.6 ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन चौथा कक्षा से पहले कक्षा में आता है तो एन टू की जगह पे 4 रखेंगे और एन वन की जगह पे 1 रखेंगे और उस तरंग दैर्ध्य का निकाल लेंगे, और तरंग दैर्ध्य जब निकल जाएगा तो यहाँ से ये वाले सूत्र से c बराबर न्यू लेमडा है तो आवृत्ति निकल जाएगा। यहाँ पे c का मान होता है 3 × 10⁸ और तरंग दैर्ध्य का मान निकालने एक बार यहाँ यहाँ रखेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, यानी कि c बटा लेमडा इक्वल टू आवृत्ति निकालेंगे। तो इस तरह से आप प्रश्न बना सकते हैं, ठीक है, उतार लीजिए।